पेरेंट्स की डिजायर क्या है, सिक्योरिटी, फ्रूटफुल क्या है, रिस्क कहाँ करते हैं, कई बातें को समझना। ये करीब करीब एक दूसरा सवाल है, छोड़ माफी चाहूंगा, पहला सवाल कट ही गया लेकिन दूसरा सवाल उससे लिंक रहेगा, तो सुनते चलते। कौन होना चाहता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसको चाहिए? अगर मैं भी सिक्योरिटी मांग रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? कौन होना चाहता है सिक्योरिटी? सिर्फ जो डरा हुआ है, सिर्फ वो। सिक्योरिटी का मतलब यही है ना, कुछ छिन ना जाए, कुछ छिन ना जाए। कौन है जिससे कुछ छिन सकता है, और क्या है तुम्हारे पास जिसे छीना जा सकता है? इस सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या है? और बिल्कुल सही बात है कि माँ बाप भी कह रहे हैं और इनसिक्योर है, पर माँ बाप है तो क्या हो गया? उम्र बढ़ने से समझ बढ़ जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिक्योरिटी शब्द क्या है? दौड़ रहे हो सब सिक्योरिटी के पीछे ही दौड़ रहे हो, पर व्हाट इज सिक्योरिटी? किस चीज के खोने का डर है तुमको? क्या खो जाएगा? मैं बताता हूँ क्या होता है। वही सब खो जाएगा जो तुम्हें दूसरों ने दिया है, और उसी के कारण तुम घबराए रहते हो कि कुछ नुकसान ना हो जाए। जानते हो तुम किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहते हो? तुम सिक्योरिटी सिर्फ उन चीज़ों की चाहते हो जो तुम्हें समाज से, परिवार से, बाहर से मिली है। तुम्हें डर है तुम्हारी रिस्पेक्टेबिलिटी में चली जाए। अब रिस्पेक्टेबिलिटी तो कोई दूसरा ही लेता है, उसके जाने का डर है। ध्यान दो, तुम्हें डर है पैसा कमाना पड़ता है, पैसा तो बाहर से आता है, डर रहेगा उसका। जानना, तुम हमेशा उन्हीं चीजों के खोने के बारे में डरोगे जो बाहर से आएंगे, जो तुम्हारा अपना है, और जिसने उसको जान लिया है, जो पूरी तरह उसका अपना है, वो फुली सिक्योर हो जाता है, वो सिक्योरिटी मांगता ही नहीं। और दूसरे, मजे की बात है, दूसरे सिक्योरिटी की तलाश में घूमते रहते हैं, उन्हें जिंदगी भर सिक्योरिटी मिलती है। जो इनसिक्योर है और सिक्योरिटी की तलाश में घूम रहा है, वो जिंदगी भर तलाश करेगा सिक्योरिटी की। बीटेक कर लूँ तो शायद सिक्योरिटी मिल जाए, अब एमबीए कर लूँ शायद सिक्योरिटी मिल जाए, अब शादी कर लूँ तो शायद सिक्योरिटी मिल जाए। वो जीवन भर सिक्योरिटी की तलाश में घूमेगा और सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बाहर से मिल सकती नहीं। सच तो ये है कि तुम जितना बाहर की ओर जाओगे उतने ही इनसिक्योर होते जाओगे। सिक्योरिटी आती है उसी सवाल से बीच में तुमने पूछ लिया था कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, ये सवाल बिल्कुल यही है कि मेरा अपना क्या है। जिसने उसको जाना और जिसने उसने जीना शुरू कर दिया कि मेरा अपना क्या है, अब वो फ्री फ्रॉम फियर हो जाता है। वो इसलिए फिर नहीं पढ़ता कि कहीं फेल ना हो जाए। हमारी जिंदगी तो बड़ी पिटीफुल है। देखो ना, हम पढ़ते लिखते हो, किताब से हमारा क्या रिश्ता है? किताब इसीलिए उठाते हो कि फेल ना हो जाए, किताब इसीलिए उठाते हो कि कम से कम इतना परसेंटेज आ जाए इससे ड्रॉप ना हो जाए। हमारा तो किताब से भी रिश्ता इनसिक्योरिटी का है कि नहीं है? किताब के पास तुम जाओ ही ना अगर तुम्हें फेल होने का डर ना हो, या तुम्हें परसेंटेज ड्रॉप होने का डर ना हो, या तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट का डर ना हो। जो आदमी सिक्योरिटी को पा लेता है शौर्य, वो फिर किताब के पास इसलिए नहीं जाता कि इनसिक्योर है और डरा हुआ है, वो फिर किताब के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे पढ़ने में मजा आता है। और ये जिंदगी जीने के दो बड़े अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं कुछ भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी मिल जाए। और दूसरा तरीका है कि मैं पहले से ही सिक्योर हूँ और इस सिक्योरिटी में इतना मजा है कि अब मैं कुछ कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। ऑपोजिट तरीके हैं।